कर दिया जाए, क्योंकि वाले हैं वो कैसे वो मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या बच्चे क्यों, मैं माँ बाप कमा के बच्चों को खिला ही सके या अपना पढ़ाई सके। महंगाई का जमाना है, महंगाई बहुत महंगाई का जमाना है सर। क्या महंगा है, अरे सब कुछ तो महंगा है, क्या चीज सस्ता हुआ है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ नीतीश गुप्ता और इस समय मौजूद हैं वाराणसी में, यहाँ के सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं के इस समय क्षेत्र में हैं और सफाई कर्मी आप देख रहे हैं, ये सफाई कर्मी महिलाएं हैं। सफाई कर्मी इसलिए फोकस करिए सफाई कर्मी शब्द पे इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों का पैर धोया था और अभी कुछ दिन पहले ही घाटों पर बैठ के उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाए थे और भोजन भी किए थे। यहाँ पे तमाम सफाई कर्मी हैं, कुछ नाराज नजर आ रहे थे। इन लोगों का कहना था कि समय से इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला है। दीपमाला जी, यहाँ सफाई कर्मी हैं, कितना घंटा नौकरी करती हैं? 8 घंटा। पैसा कितना मिलता है? 9000। समय से मिल जाता है? नहीं, समय से पैसा नहीं मिलता। नहीं सर, समय से पैसा नहीं मिलता है, 2 महीना पर 3 महीना पर 2.5 महीना पर ऐसे पैसा मिलता है। पैसा पहले कितना मिलता था, आप कितना मिल रहा है? शुरू 7 में मिलता है, 7 से चालू हुआ है। नहीं, पहले 7000 पैसा। अब कब बढ़ा है पैसा? बढ़ा है, साल 2 साल हो गया, साल 2 साल में 2000 बढ़ गया है। अब 9000 रुपया मिलता है? हाँ, 9000 मिलता है। समय से पैसा नहीं मिलता? नहीं, समय से पैसा नहीं मिलता है हम लोग को। और काम का सरकारी कर दिया जाए, क्योंकि हम उनको बोल रहे हैं इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कहा के सरकारी नौकरी कर दिया जाए जो कि। अरे सरकारी नौकरी तो चलिए ठीक है, मान लीजिए सबको कैसे सरकारी नौकरी कर दिया जाए, तनखाई बढ़ जाए। 7000 था, 9000 हो गया। 9000 में चार बाल बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, वो कैसे वो मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या बच्चे माँ बाप कमा के बच्चों को खिला ही सके या अपना पढ़ाई सके। महंगाई का जमाना है, महंगाई बहुत महंगाई का जमाना है सर। क्या महंगा है, अरे सब कुछ तो महंगा है, क्या चीज सस्ता हुआ है? हाँ। कुछ तो नहीं है, बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा? तो महंगाई क्या हुआ है, महंगाई। अरे जब बच्चों को 9000 में का नाम है, माँ बाप खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे? 9000 में आज के दौर में चल जाएगा? आज के दौर में 9000 रुपया में चल जाएगा? 9000 में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर। तो सर से सरकार से भी का नाम है रिक्वेस्ट है कि कुछ हम लोग का सैलरी कुछ बढ़ाने की कोशिश किया जाए। नहीं बताइए, और भी सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती हैं आप? हाँ, हमको सुविधा मिलती है, राशन मिलता है हमको, कंट्रोल से राशन कार्ड पर। आपको मिलता है राशन? नहीं, हमको अभी नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा? अभी राशन कार्ड हमारा नहीं बना है। तब कहाँ से मिलेगा, अब आपके पास है ही नहीं? नहीं, हमको कहने में गेहूँ चावल तेल जो रिफाइन अभी मिला है, योजना जो चालू है चना, ये हम लोग को मिला है। आपको भी नहीं मिलता? आपका भी राशन कार्ड नहीं है? बनवा लीजिए तब ना मिलेगा। ये बताइए, सरकार में विकास उकास हुआ है? सरकार में विकास हुआ है, बहुत अच्छा आगे आप विकास लोगों के लिए सरकार ने काम किया है? हाँ किया है, क्या नाम है, रोड बना है सरकार में, प्राइवेट स्कूल हर चीज। और क्या है, मान लीजिए पहले लोग कहते थे कि सफाई कर्मियों की लोग इज्जतें नहीं करते हैं, अब तनी इज्जत उज्जत कर रहे हैं। इज्जत हुआ है, इज्जत तो बहुत, पहले इज्जत नहीं करता, पहले नहीं था, अब इज्जत बहुत है। साथ में बढ़ के खाते हो, इज्जत बहुत इज्जत, साथ में बढ़ के खा लिया उतने बड़ा इज्जत मिल गया हम लोग की। बस उससे बड़ा कौन इज्जत, पैर धो दिए तौनों पे, बस उतने इज्जत मिला हुआ और क्या इज्जत। सरकार से खुश है, पैसा समय से नहीं मिल रहा उसी लिए नाराज है। ये बताइए सुपरवाइजर साहब, काहे नहीं समय से पैसा मिल रहा है? मान लीजिए सुपरवाइजर हैं आप ही लोगों के अंदर में, काहे आखिर पैसा नहीं मिल रहा है? वैसे तो हम भी उनके साथ में हम भी लेट रहते हैं कुछ, तो अब हम क्या बताएं, आपका खुद ही लेट है? हाँ, हमारा खुद ही लेट आता है, तो हम क्या बताएं। अच्छा, बाकी सुविधाएं उधाई मिल रही हैं? सब सब सुविधाएं उधाई में कोई कमी नहीं? नहीं नहीं, इनसे भी आप पूछिए, सामने है सुविधा, जो भी हमको जो प्रोवाइड होता है इनको मिलता है। मस्त सुपरवाइजर हैं हमारे ये। अच्छा, सबसे बेस्ट है अजी देगन। तो यहाँ पे हम बनारस में तो और कुछ सफाई कर्मियों से बात कर रहे थे, इन लोगों का कहना था कि इनकी इज्जत बढ़ गई है जब से नरेंद्र मोदी इन लोगों के साथ बैठे हैं, फोटो खिंचवाए हैं, खाना खाए हैं, पैर धुले हैं। बाकी सैलरी इन लोगों को समय से नहीं मिल रही थी, इन लोगों का कहना था कि सरकार थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ाए तो इन लोगों को और भी जो है खुशी होगी। बाकी आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।